सुनो बेटा, क्वेश्चन में बताया बेटा एक्सरसाइज 1.4 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटा लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहा है हमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हमें, हाँ ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसका, आपको भी पता है क्या फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेक। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना, 1.4 को बेटा, और इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया, थोड़ा स्लो चल रहा है, चलो ठीक है बेटा मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये 1.4 का है बेटा हमारे, और किस तरह सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसका बेटा, देखो देखो बेटा, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के इसको सॉल्व करना है, दो थ्योरम को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहली बात कौन सी ध्यान में रखनी है आपको, अगर मान लो इसका जो बेटा पी अपॉन क्यू जो है, एन क्यू हमें कौन से फॉर्म में मिलता है बेटा, 2^n इंटू बेटा 5^m, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, ओके। अगर P अपॉन Q, Q हमें नॉट इन फॉर्म, नॉट इन फॉर्म 2^n इंटू बेटा 5^m, नॉट इन फॉर्म बेटा, हम इसको कहेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो बातें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले रहे बेटा इसका, देखो 13 अपॉन आपको क्या दिया गया बेटा, 13 अपॉन, तो आपने क्या लेना बेटा, ये देखो ये P है और ये Q है, तो हमें Q लेना है। तो सबसे पहले बेटा जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, नाउ लेट अस, यहाँ लेना बेटा, नाउ लेट अस फैक्टराइज, हम किसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को, 3, 1, 2, 5, हम नीचे वाले को, क्योंकि क्यू को हम फैक्टर करने वाले बेटा, ध्यान रखना है आपने। तो आपने क्या करना है बेटा, इधर लेफ्ट साइड में इस तरह का बनाना है, वहां पर ही आंसर में, और उसका लिखना है बेटा, तो 3, 1, 2, 5, इसको 5 से हम जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो आप 5 से डिवाइड करो इसको, तो इसका आंसर आएगा बेटा 625। फिर इसको 5 से तुम डिवाइड करोगे बेटा, तो 625 को तो 125 आएगा, आप डिवाइड करके, मैंने कर चुका बेटा इसके, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है, 5 से क्यों, और इसके यूनिट प्लेस पे सब 5 वाले बेटा, 5 से डिवाइड होगा, तो ये 25 बेटा, 25 पे 5 के टेबल में आता है बेटा, 5 1 5, और बेटा यहाँ बेटा 5 1 5। तो आपके ये बात समझ में आ गई बेटा कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए बेटा इसके, किसके बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयर फोर 3, 1, 2, 5, इसके जो फैक्टर है बेटा, 5 कितने टाइम आया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टाइम आया, लिख दो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना समझ में आ गया बेटा आपके। तो हमने जो इसका जो Q गिरा है बेटा हमने, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा हमारे पास में 5 का पावर 5, यानी बेटा ये 5 है, देखो ये 5 सब 5 सेम आ रहे, कितने बार आया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लिख दो बेटा 5, हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम। अब हमें जो दिया गया बेटा वो क्वेश्चन लिखो बेटा, हम 13 अपॉन बेटा 3, 1, 2, 5, ये हमने ये दिया हुआ था हमें, इज इक्वल टू 13 को आई थी लिखने का, ऊपर हाथ में लगाने का बेटा, नीचे गड़बड़ करने की सारी, तो ये कितने बार आया बेटा हमारे पास में, 5^5, ये देखो इधर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये 13 लिख दिया बेटा, हमें कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आप जानते हो यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन 2 को मैं ऐसा इस तरह लिख सकता हूँ बेटा, 2 × 0 बेटा, 2^0 बेटा 5 कितने बार आया बेटा, 5 टाइम। अब बेटा हमें ये फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपको पता है कौन से फॉर्म में, 2^n इंटू बेटा 5^m। अब 2 तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो 2 को कितना मान लेने का, 0। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 की, x, अपने फॉर्मूला देख बेटा, x का पावर अगर 0 होता है उसका आंसर कितना आता है बेटा, 1 आता है, तो आप जानते हो यहाँ पर 1 आएगा बेटा 0 के ऊपर। तो आपने अगर ऑब्जर्व करें बेटा, तो ये कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ये कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा बेटा, 2^n इंटू बेटा 5^m। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ n कितना आ गया बेटा, मतलब n कितना आ गया, n आ गया 0, है ना, और m कितना आ गया बेटा, m कितना आ गया 5, देखो ये ऊपर का n 0 और ये कितना आ गया बेटा
एम यानी कितना 5। समझ इतना समझ में आया आपके बेटा, इतना समझ में आया क्या? यस सर आया सर। यस सर। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फॉर्म में, तो हम लास्ट में लिखेंगे बेटा हेंस, लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, हेंस 13 अपॉन 3125 हैज अ टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे बेटा उसको, हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। ऊपर ही पूछा गया बेटा, या तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो दिस इज द बेटा फर्स्ट आंसर हमने ये जो सॉल्व किए मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको यहाँ बताया उन्होंने बेटा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज द रैशनल नंबर इन इन क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मान लो वो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में आता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आता है, तो हम उसको कौन से टर्मिनेटिंग आता है तो बेटा हम उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो चलो आप, मैं इसको एक बार ये करता हूँ बेटा, ये ध्यान रखना है, इसको इसका स्क्रीन शॉट लिया आपने? यस सर लिए। ठीक है मैं थोड़ा इसको देखो, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ इसका। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, यानी वो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसको सेकंड में लेना है बेटा। देखिए तो आप जानते हो बेटा उसका आंसर कितना बेटा, हमें 13 अपॉन बेटा 3125 लिख दिए इज इक्वल टू, हमने इसको बेटा 13 अपॉन इसके फैक्टर गिराए थे बेटा नीचे, आपको पता कितना बेटा 5 रेज़ टू द पावर 5 आए बेटा। ये देखो इधर समझ में आया, ऐसा लिख देना बेटा इनटू। अब क्या करना है इधर सुनो बेटा, इसके साथ में कौन रहता है बेटा, इसके साथ में कौन रहता है 5 के साथ में, 2 रहता है ना, फॉर्मूले में देखो 2 रहता है ना। अगर मान लो यहाँ 5 आया तो इसका अपोजिट लेने का कौन आता बेटा, 2, तो 2 भी लिखने का 5 टाइम नीचे बेटा 2 बार लिख डालने का, समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पर 2 आता, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 5 आता, तो हम इधर कितने रहते हैं 5 रेज़ टू द पावर 5 5 रेज़ टू द पावर 5। समझ में आया आपके, ये बात समझ में आई कि बेटा इधर 2 5 आया, कौन रहता 2, तो 2 को लिख दो। इधर अगर मान लो 2 आता इधर कितने लेते हैं, हम यहाँ पर 5 लेते, ये ध्यान में रखना है आपने, हाँ अपोजिट में लेना है बेटा, और ये जो पावर इसका रहेगा वही पावर इसको देने का बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने। अब इतना होने के बाद में बेटा आपने क्या करना है सुनो, आप जानते हो बेटा 13 एज इट इज इनटू 2 का पावर 5 यानी कितना, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 हाउ मेनी टाइम 5 टाइम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32 कितना आ गया बेटा 32। समझ में आया इसका आंसर, अपॉन ये ध्यान में रखना है आपने, हाँ अपॉन बेटा। अब इसमें देखो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख दो यहाँ पर बेटा, 5 रेज़ टू द पावर बेटा 5 इंटू बेटा 2 रेज़ टू द पावर बेटा 5। अगर आपने देखिए बेटा एक फार्मूला है, अगर मान लो a रेज़ टू द पावर m इंटू बेटा b रेज़ टू द पावर m आता है, बेस अगर अलग अलग इन पावर अगर एक जैसे बेटा, तो एक फार्मूला आपको याद है बेटा, हम a इंटू b साथ में लिख देंगे, ये दोनों साथ में लिख देंगे, जो पावर सेम है बेटा एक बार दे देंगे। आ गया समझ में, ये फार्मूला हम नीचे यूज करेंगे यहाँ पर, समझ में आया। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करो, ऊपर वाले का 13 × 2 बेटा, तो उसका आटा बेटा 32 कर लेता हूँ, 13 × 2 = 26 416 आया बेटा अपॉन, और इनको ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखो बेटा नीचे वाले के, इसको हम लिखेंगे बेटा 5 × 2 और पावर कितना है बेटा इसका 5। हाँ अभी ऊपर लिख दो बेटा 416 अपॉन, आप जानते हो बेटा, आप एक बात जानते हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 5 × 2 = 10 10 का पावर कितना बेटा 5। अब नीचे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 416 अपॉन ये 5 जो बेटा, ये 5 का मतलब क्या है, जो इसके ऊपर 5 है बेटा इसका मतलब है 50 कितना मतलब बेटा 50 लिख दो बेटा 1 2 3 4 5 लिख दिए आप 416 लिख दो बेटा अच्छे से लिख लेता एक बार लिख दो यहाँ पर लिख दो बेटा 416 डिवीजन में कर देंगे बेटा हम देखो यूनिट 10 100 1000 10 100 lakh समझ गया बेटा हम इस तरह देंगे इसके डेसिमल देखो यूनिट 10 100 1000 10000 lakh और यहाँ पर एक जीरो आ गया बेटा डेसिमल फॉर्म में आ गया समझ में ये हो गया बेटा इसको हमने डेसिमल फॉर्म में क्या कर चलिए बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं 17/8 ठीक है तो 17/8 बेटा हमें ये देखना है कि दिस इज द बेटा ये इसके फैक्टर ये p/q फॉर्म में बेटा ठीक है
हम इसको बोलेंगे बेटा इसका क्यू लेंगे हम, यहाँ पर क्या बेटा दिस इज कॉल्ड एज द पी एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेटा क्यू, तो हम क्यू को लेंगे बेटा बाय द थ्योरम। ठीक है, तो मैंने आपको पहले लिख के दिया, अगर मान लो क्यू हमारा 2^n है ना, फिर से बता रहा सुनो बेटा 2^n बेटा इंटू 5^ बेटा m, अगर वो ये फॉर्म में आता है इट इज टर्मिनेटिंग, ओके, और नहीं आता है नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आया बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले हम क्यू को लेंगे, तो क्यू कितना है हमारे पास में बेटा, क्यू कितना है 8 के फैक्टर गिराओ, 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, 2 1 2। चलो ठीक है, आ गया बेटा इतना हमारा। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा, आपको पता है बेटा 17/8 = ओके, तो आप जानते बेटा 8 कितने बार आया बेटा, हमारे 8 के फैक्टर कितने बार आया 8 के बेटा 2 × 2 × 2 बेटा, यानी इसका आया 2 का क्यूब, ये ध्यान रखना है आपने, ये 2 का क्यूब आया बेटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा 17/ बेटा, ये ध्यान रखना है, ये 2 कितने बार आ गया 2 का क्यूब आ गया, यहाँ पर कौन मिस है कौन बताएगा, कौन मिस है बेटा, एनी वन टेल मी हुई इज अ मिस, 8 के फैक्टर कितना आ गया बेटा हमारा 2 का क्यूब है ना, ये देखो नीचे देखो, ये तो समझ में आया आपका बेटा। हाँ सर, अब मुझे बताओ 5 कितना आएगा, 5 कितना आएगा बताओ बोला, 17/ बेटा, अगर ये 2 का क्यूब आया तो 5 कितना जीरो, वेरी गुड टू द पावर जीरो, वेरी गुड, देखो बेटा ये आ गया बेटा इज इन द फॉर्म 2^n × 5^n, ओके, तो हम बोल सकते बेटा यहां पर फिर बेटा 17/8 बेटा हैज अ माइक बंद करो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके, आप जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आया तो आप जानते बेटा हमें कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बेटा, कौन से क्वेश्चन पे आना है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ये फर्स्ट का होगा बेटा, ये टर्मिनेटिंग आ गया, हमारी पहली शर्त क्या है बेटा, अगर वो मान लो क्या आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे बेटा, वाई जिसको रहता है टर्मिनेटिंग, ओके 17/ अच्छे से लिख लेते बेटा 17/8 हमारा कितना है फैक्टर बेटा 17 को ऊपर का एडिटिंग लिखते हम क्यू को याद लगाते 2 का क्यूब, आप जानते बेटा ये कितने बार आया 3 टाइम आया बेटा, 8 = 2 का क्यूब आया, ये ध्यान रखना है। अब इसे कैसे लिखेंगे हम देखो 17/2 × इधर कितने आएंगे बताओ, कौन बताएगा इधर कितने आएंगे, कौन बताएगा 5 का क्यूब / नीचे भी 5 का क्यूब, समझ में आया ना, इसका इसके साथ में कौन रहता 5, पहले क्वेश्चन में कौन गायब था 2 हाइट था बेटा, 2 छुपा हुआ था, तो हमने कितना मान लिया बेटा, और 2^5 मान लेते, अब इसमें क्या 5 नहीं है तो 5 का हमने ये इसका जो पावर है वही 5 को इधर दे दिया बेटा, समझ में आया आपके। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम देखो 17 × 5 का क्यूब कितना होता है, कौन बताएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125/, और इन दोनों को कैसे लिखेंगे बेटा, पावर सेम है वही फार्मूला हमारा 2 × 5, और पावर सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे बेटा एक बार लिख देंगे, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करते बेटा से बेटा बाद में करता हूँ, तुम बाजू में करके 17 × 125 बेटा अपॉन इसका कितना बेटा 5 × 10, ये 10 आ जाएगा ना उसके ऊपर बेटा क्यूब, ओके लास्ट आंसर बेटा 17 × 125 अगर हम करते बेटा तो उसका आंसर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसका आ रहा है बेटा 2125, और ये कितने जीरो आएंगे बेटा 3 जीरो, पावर कितना है 3 है इसका 3 जीरो आएंगे बेटा 1 2 3, और हम लिख देंगे बेटा यहाँ पर इसको 2125 लिख दो और काउंट करो यूनिट 10 100 1000 यूनिट 10 100, और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 1000, ठीक है दिस इज द फाइनल आंसर बेटा 2.125 बेटा कितना आया 2.125 दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए होंगे ये पी है और ये क्यू है, तो हम बेटा पहले 455 के बेटा फैक्टर गिराएंगे, ओके तो सबसे पहले हम देख लेते बेटा उसके फैक्टर गिरते या नहीं गिरते, तो 400 बेटा
55 के बेटा क्यों क्यों लेते बेटा हम इसको 5 से हम अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा समथिंग, 5 से अगर डिवाइड करें बेटा तो साइड में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 455 डिवाइडेड बाय बेटा 5 तो 91 आ रहे बेटा, 91 आ रहे। इसको 7 से डिवाइड करें बेटा तो कितना आ रहा बेटा, 13 आ रहा बेटा, एंड 13 वन 13। आपने अगर बेटा इसको देखे 455 को बेटा, तो इसके फैक्टर आ रहे बेटा 5 × 7 × 13। और हमें क्या चाहिए आप जानते बेटा, हमें क्या चाहिए, 2^n × 5^m। तो 2 नहीं आ रहा बेटा उसमें, आप जानते बेटा यहाँ पर लिख सकते बेटा 64 अपॉन बेटा 400 बेटा 55 इज इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बेटा, ये लिखना पड़ रहा है, एंड q not equal to 0। और विल हैव बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट बेटा फ्रॉम ब्यूटी कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म बेटा। हाँ तो आप जानते हो बेटा जो क्यू है, क्यू कितना बेटा हमारा 455 नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n × 5^m। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आया बेटा, आप जान रहे हो उसके फैक्टर क्या गिर रहे हैं, आप देख रहे हो बेटा खुद ऊपर, ठीक है 5 आ गया नो प्रॉब्लम, लेकिन ये 7 नहीं चाहिए ना हमें, 7 और 13 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए ओनली बेटा 2 चाहिए और 5 चाहिए, ये दोनों चाहिए। इसके अलावा तीसरे 2 आते बेटा तो क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आया आपके, इसके अलावा कोई भी आता बेटा तो क्या आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आपने। आ गया, वेट बेटा, समझ में आया बेटा, इतना मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। वो जो था ना बोला बेटा वो चला गया अभी आंसर, वो इसमें ये जो आंसर था आप जान रहे हो बेटा, इसका जो आंसर आया हमारे पास में आप जान रहे हो इसके फैक्टर कितने आए बेटा, हमारे क्यू जो था, हमारे क्यू जो था 455 उसके फैक्टर हमारे उतने आप जान रहे 5 × 7 × 13 आए बेटा, ये दोनों आ गए बेटा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, क्या में आ गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया बेटा, उसको सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, हमें कौन से फॉर्म में चाहिए बेटा, 2^n × 5^m बेटा, ये फॉर्म में नहीं आ रहा, देखो आप वो नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया, दिया गया बेटा क्या थ्योरम दिया गया बेटा 1.7 क्या दिया गया, एक्स हमारे में एक्स ये देवा था बेटा, मान लो पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू नॉट इन द फॉर्म, आ गया बेटा क्यू हमारा कौन से फॉर्म में नहीं आया, ये फॉर्म में नहीं आया, वेयर एन एम बेटा नॉन निगेटिव इंटीजर, देन एक्स हैज बेटा डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके बेटा, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। आपको सिर्फ जा रहा हूँ आपके फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी आप जानते हो कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया बेटा, ये 15 और 1600 हमें दिया गया बेटा, ध्यान में लेना है, इसके फैक्टर हम सबसे पहले गिराएंगे बेटा, ध्यान में लेना आपको, ठीक है। तो आप जानते हो बेटा ये हमें पी दिया गया, ये हमें क्या दिया गया बेटा, क्यू दिया गया, आप जानते हो, तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टर गिरते बेटा, आपको पता है 15 के फैक्टर आपको गिरते कितने बेटा, 15 अपॉन बेटा 1600। 15 के फैक्टर कितने गिरते बेटा, 5 3 15 और 1600 के फैक्टर हमारे पास में गिरते बेटा, देखो 1600 के फैक्टर हमारे पास में, अगर 1600 को हम 5 से डिवाइड करते, मैं बता देते हैं यहाँ पर तुम्हें 1600 को 5 से, 5 3 15 और ये 1 नीचे लिए 0 नीचे लिए बेटा, 0 ऊपर हमारे पास नहीं आएगा बेटा, ध्यान में ना, सॉरी 5 2 10, ठीक है, ये 0 नीचे आ गया बेटा, तो 320 तो हम इस तरह लिख सकते बेटा इन दोनों को, 5 × 320, ये ध्यान में रखना बेटा, इनका मल्टीप्लीकेशन करते फिर से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने, मैंने इस तरह के फैक्टर गिरा दिया, तो ये गिराने के बाद बेटा मैं इसको कट कर सकता हूँ, मैंने इस वजह से इसको रखा बेटा,
ऐसे कट कर सकते तुम, और ये फॉर्म में आ गया बेटा हमारे में 3/320। समझ में आया बेटा? ऊपर का नंबर हमारा कौन सा चाहिए, ऑड नंबर वगैरह भी रहा तो चलता बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 17, 3 वगैरह हमारा नंबर था बेटा। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालता तो निकाल लो बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है बेटा, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटा कर सकते उसको कर लो। 3/320 हम बेटा, ये पी हमारे पास में, ये क्यू हमारे पास में, तो हम बेटा 300 के फैक्टर गिराएंगे। 320 के हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर गिराएंगे, ध्यान रखना है आपने। जब फैक्टर हम इसके गिराएंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है बेटा, आप जानते हो, इसके आधे हो जाएंगे, आप जानते हो। 320 के हाफ कितने हो जाएंगे बेटा, 160 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 80 हो जाएगा। 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 40 हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा हम तो कितने हो जाएंगे बेटा, 20 हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा हम कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बेटा, 5 1 5। समझ में आया? तो ये इस तरह के जो फैक्टर गिर गए बेटा इसके, देखो मैं यहाँ लिख रहा बेटा 320 कितने आए फैक्टर बेटा इसके, 2 कितने टाइम है बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है बेटा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 कितनी बार आया बेटा, 1 टाइम आया। इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम, 2^6 इंटू बेटा 5^1। समझ में आया बेटा? तो हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर इसके, ये कौन से फॉर्म में आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने लिखना बेटा 3/320 इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा बेटा, 2^n इंटू बेटा 5^m, वेयर n इज इक्वल टू बेटा 6 एंड m इज इक्वल टू 1, है ना। n कितना है बेटा 6 और m कितना है बेटा 1, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आ गया आपके बॉयज? समझ में आया? अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है बेटा उसको, कौन से फॉर्म में हमारे, वो सेकंड क्वेश्चन के, हम इसको सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करते बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम बेटा। थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के फैक्टर बराबर आएगी बेटा हमारे, एक बार चेक कर दे क्या।